नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट और सेक्शन 125 सीआरपीसी में जो मेंटेनेंस दिया गया है उसमें क्या डिफरेंस है, इन तीनों सेक्शन में क्या डिफरेंस है या इनका क्या इफेक्ट है। तो सबसे पहले जो सेक्शन 125 सीआरपीसी है उसमें नॉट ओनली वाइफ बट अदर पीपल कैन ऑल्सो क्लेम मेंटेनेंस लाइक पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, बट ओनली अ वाइफ कैन क्लेम मेंटेनेंस इन हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, नॉट अदर पर्सन। तो वाइफ जो है 125 सीआरपीसी में भी मेंटेनेंस मांग सकती है, 18 एचएमए एक्ट में भी मांग सकती है और सेक्शन 25 एचएमए एक्ट में भी मांग सकती है, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 18 हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट एंड सेक्शन 125 सीआरपीसी, ओनली वाइफ कैन क्लेम मेंटेनेंस, ठीक है। लेकिन जो सेक्शन 25 एचएमए है, जो हिंदू मैरिज एक्ट है, उसमें दोनों स्पाउस मांग सकते हैं, यानी हस्बैंड भी मांग सकता है और वाइफ भी मांग सकती है। हिंदू वाइफ कंटेम्पलेटेड अंडर सेक्शन 18 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, जिस प्रोविजन में मेंटेनेंस की प्रोविजन है, इंक्लूड्स ओनली वाइफ फ्रॉम वैलिड मैरिज, ठीक है। सिर्फ वैलिड मैरिज की जो वाइफ होगी वो ही मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, लेकिन सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट इवन अ वाइफ ऑफ वॉइड मैरिज कैन क्लेम मेंटेनेंस, ठीक है। जो अब आपको पता है कि अगर किसी की एक मैरिज सब्सिस्ट कर रही हो और वो दूसरी शादी कर लेता है तो वो मैरिज जो है वॉइड मैरिज होती है, उसकी जो सेकंड मैरिज होती है। तो सेक्शन 25 एचएमए में वॉइड मैरिज की जो वाइफ होती है वो भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। सेक्शन 18 एचएमए एंड सेक्शन 125 सीआरपीसी, अ वाइफ कैन क्लेम मेंटेनेंस एंड लिव सेपरेटली फ्रॉम हर हस्बैंड व्हाइल हर मैरिज सब्सिस्ट, लेकिन अंडर सेक्शन 25 एचएमए आइदर स्पाउस कैन क्लेम मेंटेनेंस एंड परमानेंट एलिमनी, बट दैट कैन बी डन ओनली आफ्टर जुडिशियल सेपरेशन एंड डाइवोर्स। जो सेक्शन 25 की प्रोविजन है उसमें आप क्लेम तभी कर सकते हैं जब या तो आपका जुडिशियल सेपरेशन हो गया हो या आपका डाइवोर्स हो गया हो, और अगर आपका ये नहीं हुआ तो फिर आप जो मेंटेनेंस क्लेम करेंगे वो अलग रह के भी आप सेक्शन 18 में या सेक्शन 125 में क्लेम कर सकते हैं। कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन को ऑस्ट नहीं किया जा सकता इस ग्राउंड पे कि एक प्रोविजन में ऑलरेडी मेंटेनेंस मांगा हुआ है, ठीक है, बट उस चीज को कोर्ट ध्यान में रख सकता है व्हाइल फिक्सिंग द क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस, ठीक है। दीज बोथ आर इंडिपेंडेंट रिलीफ। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। आपका कोई सवाल हो मेंटेनेंस से रिलेटेड तो जरूर कमेंट कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।